दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स। सोना खरीदो सोना जीतो, स्वर्ण समृद्धि योजना। त्योहारों का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन बाजार आर्थिक मंदी से उबर नहीं पा रहा है, जिसके चलते व्यापारी ज्यादातर नाखुश नजर आ रहे हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही है। व्यापारियों ने कहा कि बाजार में मंदी काफी समय से है, उन्हें उम्मीद थी कि त्योहार आते ही मंदी कुछ कम होगी, लेकिन त्योहारों का सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में मंदी का वैसा ही आलम है। उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि वह जल्द ही आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए, अन्यथा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। सोलन के व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी और नोटबंदी आर्थिक मंदी का एक बड़ा कारण है, क्योंकि इनकी वजह से बाजार में मंदी आई है और ग्राहक है बहुत सेविंग मोड से चल रहे हैं, और यही एक वजह है कि बाजार में आर्थिक मंदी छा गई है। उनका कहना है कि सभी त्योहार निकल चुके हैं, अब शादियों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन यह खरीदारी से केवल खाना पूर्ति हो रही है, लेकिन मंदी जैसी की तैसी बनी हुई है। जो नोटबंदी हुई है उसके बाद से मार्केट में बहुत ज़्यादा स्लंप है और मार्केट में कस्टमर बिल्कुल गायब हो गया है, किसी के पास भी परचेजिंग पावर नहीं रही। इवन कोई भी ट्रेड है, चाहे वो शूज़ है, चाहे वो गारमेंट्स हैं, चाहे वो कपड़ा है, इवन सब्जी वाले भी बोल रहे हैं कि सब्जी खेलने भी खरीदने की हिम्मत नहीं रही लोगों के पास। इसका जो नोटबंदी का असर है ये शुरू हो चुका है और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई आर्थिक मंदी से देश उभर पाएगा कुछ है। इसके बारे में सरकार को कोई कदम लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ये जो मल्टीनेशनल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, इससे छोटा व्यापारी ख़त्म होता जा रहा है और आने वाले समय में छोटा व्यापारी ख़त्म हो जाएगा और ये मल्टीनेशनल्स कंपनियां देश पर राज करेंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे इंडिया में आई थी और इन्होंने हमारे को गुलाम बना के 200 साल हमारे ऊपर राज करा, उसी पॉलिसीज पर इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए जो हमारा गांव का व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, जो अपने कारोबार कर रहा है, सरकार के ऊपर बोझ नहीं है, सरकार को टैक्स दे रहा है, उसका ख्याल करना चाहिए, ना कि इन मल्टीनेशनल्स कंपनी का ख्याल करना चाहिए, बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं उनका ख्याल करना चाहिए। इन छोटे व्यापारियों के लिए यही मैं गुजारिश करूंगा केंद्र सरकार से कि छोटे व्यापारियों के लिए कुछ सोचें और ये जो ऑनलाइन है इसको भी थोड़ा, इस पर भी अंकुश लगाया जाए और इस पर भी देखा जाए और सारा ये है, ये मार्केट में कस्टमर क्यों गायब है, इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत है। हमारे वित्त मंत्री जी को विचार करने की ज़रूरत है, प्रधानमंत्री जी को विचार करने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है देश में। अगर ऐसा यही चलता रहा तो देश एक दिन, ये दिन दूर नहीं है कि सारा व्यापार चौपट हो जाएगा और देश आर्थिक क्राइसिस में चला जाएगा और पैसे होते हुए सामान नहीं मिलेगा और प्रोडक्शन डाउन है। अब 58% कहते ऑटोमोबाइल्स डाउन है, 30% गारमेंट्स डाउन है, क्या वजह है? ये सरकार को सोचने का विषय है, सरकार सोचे और ये करे तभी यहाँ है। और छोटे व्यापारियों के पास ये आर्थिक मंदी क्यों है, क्यों परचेजिंग पावर कस्टमर की ख़त्म हो गई है? किसी के पास कोई है नहीं, कुछ पहले परचेजिंग पावर ख़त्म है, फिर दूसरा ऑनलाइन में है, ऑनलाइन में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है व्यापारी के पास, वो घर बैठे दे रहे हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो घाटा भी खा रही हैं। पहुँचता नहीं है आजकल, रिस्पॉन्स कम है, नोटबंदी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन से रोहित चौहान की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।